अब बच्चे जो क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी बच्चे ने बोला कि सर हमारे को क्वेश्चन नंबर 5 समझ नहीं आया, तो कोई बात नहीं, दोबारा करते हैं। देखें, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द एबी, नंबर ऑफ टर्म्स वी हैव टू फाइंड आउट इन द फॉलोइंग एबीज, एबीज आर टू, इन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इट मीन्स पार्ट 1 पार्ट 2। एक एपी ये है, दूसरी एपी ये है, इसमें भी कुछ टर्म्स होंगी, 2, 4, 10, 50, 20 ऐसे यहां होंगी, उनको फाइंड आउट करना। अब अगर ये एपी उसने बोल दी तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ चुकी है। बच्चों फर्स्ट टर्म क्या है? 7 है। तो हम लोग यहां से कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? 6 आ गया। अब ये एक एपी है, इंक्रीज होते होते 205 तक चली, इसका मतलब क्या हुआ? इस एपी में लास्ट टर्म 205 है। अगर लास्ट टर्म मिल जाती है तो एपी कैसी कहलाती है? फाइनाइट एपी कहलाती है। अगर एपी फाइनाइट है तो लास्ट टर्म को जनरल टर्म कंसीडर कर लेते हैं, मतलब ए एन और एल इक्वल हो जाती है। कब? जो फाइनाइट एपी होती है, और ये फाइनाइट है। फाइनाइट कब होती है? लास्ट टर्म होती है, लास्ट टर्म है हमारे पास। तो यहां क्या करेंगे बच्चों? 4 फाइनाइट एपी, फाइनाइट एपी के लिए हम क्या करते हैं? ए एन इक्वल टू एल हो जाता है। ए एन क्या है? ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी इज इक्वल टू एल, एल मतलब लास्ट टर्म विच इज 205। बच्चों कंसेप्ट क्या है इसमें? सिर्फ ये है, फाइनाइट एपी में ए एन को एल इक्वल, एल के इक्वल रख दो बस, ए एन और एल इक्वल होंगे। किसमें होंगे? फाइनाइट एपी में। अब आपको फाइनाइट एपी पता होना चाहिए क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हो। फाइनाइट में कि भाई लास्ट टर्म का पता हो, क्या लास्ट टर्म है, कितने टर्म है इसके अंदर पास। तो ये आ गया, यहां से सोल्व कर लो, ए की वैल्यू रख दो 7, एन डी की वैल्यू रख दो 6, 7 उठ के राइट हैंड साइड में चला जाएगा, कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। फिर यहां से क्या आएगा बच्चों? इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 198 आ जाएगा। 6 यहां मल्टीप्लाई में है, यहां जाएगा तो कैसा? डिवाइड में आएगा, कैंसिल आउट कर देगा, 6 3 का अगेन 3 का, तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू 33, एन वहां 1 वहां जाएगा तो क्या आएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया क्या आएगा? 34 आएगा। एन क्या था? नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस ए। तो बच्चों इसमें कितनी टर्म है? नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एपी इज 34। तो बच्चों ये ऐसा ही है, खुद कर सकते हो।